सिलीगुड़ी नगर पालिका में अर्बन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी की बैठक। सिलीगुड़ी नगर निगम के मुख्य कक्ष में अर्बन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार और नगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य विषय माटीगढ़ा के NH-31 पर 4/6 लेन सड़क निर्माण से प्रभावित लोगों का पुनर्वास था। जानकारी के अनुसार इस सड़क निर्माण के चलते करीब 32 लोगों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी है। अब सिलीगुड़ी नगर निगम इन लोगों के पुनर्वास पर विचार कर रहा है। मेयर गौतम देव ने बताया कि अगले 5 दिनों में इस मुद्दे पर अंतिम चर्चा होगी। बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों ने पुनर्वास प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए विचार विमर्श किया। आगे की कार्रवाई के लिए सभी ने मिलकर काम करने का आश्वासन दिया है। आज के यूएलडीसी 32 जन के हमरा लेने छे तादर पुनर्वासन देबो। এটা আরেকটু আমাদের সার্ভে করতে হবে কালকে, আরেকটু ওখানে সার্ভে মানে ইনকোয়ারি করতে হবে, একটু ইনকোয়ারি আমরা কালকে করব এবং ইউএলডিসি আবার নেক্সট 5 তারিখের বিকেলবেলা 3টায় মিটিং হবে। সেই মিটিংয়ে আরও যদি ওই জায়গাটাতে আরও কিছু ল্যাপটপ কেস থাকে সেগুলো ইনক্লুড করে আমরা 5 তারিখে ইউএলডিসিতে ক্লিয়ার করব। বিভিন্ন জায়গাতে প্রচুর লোক আছে, বিভিন্ন জায়গাতে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে, এইটা আমরা বুঝানো মজা করব। সরি পাপা, মেরা সিলেকশন নেই হুয়া। ইটস ওকে বেটা, চলো দুবারা মেহনত করতে হ্যায়। সূর্যা হ্যায়, সুকুন হ্যায়। নমস্তে ম্যাম। ডাইনিং টেবিল? জি ম্যাম, আইয়ে बैठिए मैम। सच में श्रोते, बहुत बढ़िया है, एकदम जबरदस्त। सच में बहू, मान गए। वेरी गुड मॉम। और भी ऑप्शन है मैम। सोफा? जी मैम। श्रोते, क्या सोफा है? और भी ऑप्शन है मैम। और भी ऑप्शन अवेलेबल है मैम। अभी तो लोन लेना पड़ेगा। वो भी अवेलेबल है, बिल्कुल 0% इंटरेस्ट रेट में। आप बैठ कर, लेट कर, गद्दे पे उछल कर हर तरीके से देख सकते हैं। हिमालयन केन फर्नीचर, सारे ऑप्शंस खुले।